दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया के घर में टीम इंडिया ने टेस्ट सीरीज को जीत लिया है। 2-1 से सीरीज को जीतकर अपने नाम किया है और 71 सालों बाद ये इतिहास रचा है। 1947 से ऑस्ट्रेलिया का दौरा टीम इंडिया कर रही है, लेकिन इससे पहले कभी भी टेस्ट सीरीज को जीत नहीं पाई है। लेकिन विराट कोहली की कप्तानी में 2-1 से सीरीज को जीता है और अब बारी है ओडीआई मैचेस की। अब खेली जानी है ओडीआई सीरीज और यहाँ पर टीम इंडिया का अनाउंसमेंट हो चुका है और जहाँ पर इस सीरीज को टीम इंडिया ही जीतने वाली है। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं 15 प्लेयर्स की लिस्ट को आपको बताने वाले हैं कि कौन से प्लेयर्स को जगह दी गई है और किसे जगह नहीं मिली है। दोस्तों अगर आप एक क्रिकेट फैन हैं तो क्रिकेट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप आरएस एंटरटेनमेंट को तो सब्सक्राइब करिएगा ही, साथ ही साथ अपनी क्रिकेट नॉलेज से घर बैठे लाखों रुपए कमाने के लिए आप अभी नॉस्ट्रा प्रो ऐप को डाउनलोड करें। और अगर आप इस ऐप को अभी डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आपको अभी आपके वॉलेट में 100 रुपए ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो दोस्तों अब अगर हम बात करते हैं कि 15 प्लेयर्स के स्क्वाड में कौन कौन से बड़े दिग्गजों की वापसी हुई है और किसे बेंच पर बिठाया गया है। ओपनर्स के तौर पर देखते हैं तो 3 ओपनर्स का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, शिखर धवन, रोहित शर्मा और लोकेश राहुल। शिखर धवन, रोहित शर्मा तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन लोकेश राहुल टेस्ट सीरीज में बेहद खराब परफॉर्म करके आ रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में देखा जाए तो विराट कोहली, मनीष पांडे, अंबाती रायडू, जी हाँ दोस्तों अंबाती रायडू ओडीआई में खेलने वाले हैं। इनके बाद विकेट कीपर्स में देखा जाए तो एमएस धोनी और ऋषभ पंत। स्पिनर्स को देखते हैं जहां पर एक और दिग्गज की वापसी हुई है, यानी कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल और रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा ओडीआई टीम में है, ये 3 स्पिनर्स खेलने वाले हैं। और पेसर्स में देखा जाए तो मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और उमेश यादव यानी शार्दुल ठाकुर, जिन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ ओडीआई सीरीज में खेला था, उन्हें अभी तो स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया है। तो दोस्तों ये तो रही 15 प्लेयर्स की लिस्ट जो सामने निकल कर आ रही है, लेकिन आपके क्या ओपिनियन है, आपके हिसाब से इस स्क्वाड में से कौन से चेंजेस होने चाहिए, कौन से प्लेयर्स को टीम के अंदर आना चाहिए, कौन से प्लेयर्स को बाहर जाना चाहिए, साथ ही साथ क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और दोस्तों जो सबसे अच्छी प्लेइंग 11 हमें बनाकर देगा उसे हम नेक्स्ट वीडियो में उसी प्लेइंग 11 को दिखाएंगे उसके नेम के साथ और उस प्लेइंग 11 के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो आप अपनी प्लेइंग 11 हमें जरूर दें और IPL से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस और इंटरेस्टिंग वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करके रखें। धन्यवाद।